हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे और मंडे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग फ्राइडे के लिए ब्रेकआउट लेवल बन रहे थे 15,019 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,835। उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो शुरू में जब सुबह एशियाई बाजारों में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा था तो उसका असर हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग हुई तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। जब ये फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आया तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही यहाँ से टूवर्ड्स साउथ की तरफ आया तभी फर्स्ट टारगेट 14,811, सेकेंड टारगेट 14,788 दोनों भी यहाँ पर अचीव हुए। काफ़ी देर इस सेकेंड टारगेट के लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था, एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। जैसे ये भी लेवल इसने ब्रेक किया, लास्ट सेशन में ज़बरदस्त फॉल यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करें तो फ्राइडे को 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का भी यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी वीकली चार्ट को देख लेते हैं क्योंकि वीक खत्म हो गया, मंथ भी खत्म हो गया, नया महीना शुरू होने वाला है। तो एक बार मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट है, यानी एक कैंडल हमें एक महीने का हाई लो ओपन और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 2 महीने हो चुके हैं लेकिन ये फिर भी ये जो कैंडल है इसका हाई और इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया है, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है मेल मंथली चार्ट में। तो यहाँ पर कैंडल भी देखें तो आप काफ़ी वीक कैंडल बन रही है, मॉडरेट कैंडल बन रही है। ये हमें दिखा था कि इनडिसिजिव पैटर्न यहाँ पर चल रहा है 3 महीने से। अगर ये स्ट्रांग कैंडल बनाता है ऐसे, इस तरह से स्ट्रांग कैंडल, बॉडी जो है काफ़ी बड़ी होती है कंपेयर टू शेडो, तो स्ट्रांग कैंडल अभी तक नहीं बन रही है। और RSI को भी देखें तो 70 के आसपास पहुंच चुका है। जब भी ये 70 के आसपास आता है तो यहाँ से हमें एक छोटा करेक्शन देखने को मिलता है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक छोटा करेक्शन आता है, तो हो सकता है यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिले। ये अपसाइड मोमेंटम जो आया है लास्ट जब ये लॉकडाउन लगा था 2020 में, उसके बाद ये ज़बरदस्त अपसाइड बाउंस देखने को मिला है। तो हो सकता है इसका 23.6 या फिर 38.2% लेवल रिट्रेस हो और उसके बाद निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े। तो अभी फिलहाल इंडिसिजिव पैटर्न एज पर मंथली चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये था मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। लास्ट वीक का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि ये 20 EMA के पास आ चुका है वीकली चार्ट में, तो हो सकता है ये इसका सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाए। तो यहाँ पर हमें बाउंस बैक तो देखने को मिला लेकिन ये जो कैंडल बना ये काफ़ी वीक बुलिश कैंडल बनी है, ये स्ट्रांग नहीं है, वीक है। जहाँ पर इसने हाई लगाया था वहाँ से पूरा इसने जो मोमेंटम था ये लास्ट में खो दिया है और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके क्लोज हुआ है। तो 20 EMA के जब तक ऊपर ये ट्रेड कर रहा है हम ये मान के चल सकते हैं कि ये बुलिश यहाँ पर अभी भी सिनेरियो बना हुआ है। जब यह 20 EMA को ब्रेक करेगा वीकली चार्ट में तो हमें और यहाँ से डाउनफॉल दिखाई दे सकता है, लेकिन तब तक हम बुलिश, निफ्टी बुलिश है ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते डेली चार्ट में। डेली चार्ट में लास्ट 2-3 वीडियोज़ अगर आपने देखे हो तो यहाँ पर हमने हायर हाई हायर लोस का पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर ये जो अभी 900 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है
ये इसका लो देखे तो आप 14,150 के पास है और अभी हाई लगाया 15,044, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का अपसाइड मूव है। तो यहाँ से करेक्शन आना लाजमी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखना यहाँ पर बनता है। तो 900 पॉइंट्स का हो सकता है 50% यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिले। अभी ये एग्जैक्ट कंबाइन सपोर्ट के पास है, 20 EMA और 50 EMA दोनों भी यहाँ पर क्लब हो चुके हैं। यहाँ पर हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक हो। रिस्की ट्रेडर जो होते हैं यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर पोजिशन क्रिएट करते हैं, लेकिन जो सही मायने में देखे तो प्राइस एक्शन जो है वो ऐसे इस तरह से चलता है, अपसाइड मूव और डाउन साइड मूव इस तरह से चलता है। तो जब भी ये प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगा, स्विंग हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मोस्टली ट्रेडर्स, नॉर्मल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ठीक है। और जो रिस्की ट्रेडर्स है वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। हो सकता है कि ये भी सपोर्ट फिर से एक बार दोबारा से ब्रेक हो और टूवर्ड साउथ की तरफ आए। ये ट्रेडिंग जो है ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है, हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ इसको प्ले करना होता है ताकि हम प्रॉफिट में रह सकें। तो यहाँ पर जब तक ये स्विंग हाई को ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ से अपसाइड ट्रेंड हमें और भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये 900 पॉइंट का बढ़त के बाद, एक बाउंस बैक के बाद यहाँ पर करेक्शन आना तो लाजमी है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, मंडे के लिए यानी 3 मई के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल है यानी अराउंड 14,583 इसको अगर ब्रेक करता है मंडे को तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,559, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,539, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो फिर से इसको कम्प्लीटली ये तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर्स है तो ये जो लेवल है यानी अराउंड ये लेवल, इसके पास आप देख सकते हैं पास्ट में इसने स्विंग हाइज बनाए, ठीक है। तो ये जो स्विंग हाई है ये हो सकता है यहाँ पर फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करे, तो 14,693 को ब्रेक होने दीजिए कम्प्लीटली तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,719, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,744, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 60 मिनट का हो गया, सेम जैसे कि हमने निफ्टी इंडेक्स में देखा। अगर ये लेवल यानी अराउंड ये 32,419 को अगर कम्प्लीटली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली इस लेवल के पास काफ़ी टाइम इसने सपोर्ट लिया, हो सकता है आपकी बार भी ये सपोर्ट टेस्ट करे, तो कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए इस लेवल को तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,299, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 32,136, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लेवल है अराउंड 33,010, इसको भी ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी 33,121, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,258, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।